कोरोना महामारी से जहां लॉकडाउन है तो इस हालात में सभी व्यापार धंधे चौपट हैं। गरीब मजदूर बिना मजदूरी के अब बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन लोगों की मदद को कोरोना वॉरियर्स आगे आ रहे हैं। झुंझुनू की चढ़ाव शहर में जहां वार्ड वाइज सेवा जिम्मेदारी सेवा भी लोगों को सौंपी गई है, तो वहीं कई संगठन इसके तहत बिहार, गुजरात, MP, नेपाल व अन्य जगह से यहाँ रहकर मजदूरी करने वाले लोगों के लिए भोजन व राशन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। PCC सदस्य और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी की बेटी कांग्रेस नेत्री सुमित्रा सैनी की अगुवाई में 6 वार्डों में असहायों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इस भोजन व्यवस्था की खुद DSP RP शर्मा ने व अन्य अधिकारियों ने सराहना की है। इसी तरह का सेवा प्रकल्प श्री विवेकानंद मित्र परिषद द्वारा भी किया जा रहा है। गांधी चौक में परिषद के संरक्षक मनोज मान के घर चल रही भोजनशाला का SDM JP गौड़ ने निरीक्षण किया और शुद्धता के साथ किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। यहां से प्रतिदिन 250 से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। सेवा प्रकल्प में जुटे वॉरियर्स का हौसला बुलंद है और वे सब नर सेवा मानव सेवा के ध्येय को लेकर निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की पीड़ा कम करने में जुटे हैं। विवेकानंद मित्र परिषद चिड़ावा द्वारा जो इस COVID-19 महामारी के दरमियान लॉकडाउन भारत सरकार ने कर रखा है, जिन निर्धन परिवारों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है उनको इन्होंने प्रतिदिन 70 से शुरुआत करी थी, आज 125 से ज्यादा व्यक्तियों को ये भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन भी सात्विक, स्वादिष्ट और उनके मन के अनुकूल भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज जैसे 125 व्यक्तियों को सुबह, 125 व्यक्तियों को शाम को ये भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आज बावलिया बाबा के भोग लगाकर रामनवमी के अवसर पर इन्होंने हलवा और चने का विशेष भोजन तैयार किया है और साथ में पूरी सब्जी भी है। बहुत बहुत अच्छी बात है और इस तरह से ये नर सेवा, नारायण सेवा कर रहे हैं। मैं इस विवेकानंद मित्र परिषद को शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से अर्पित करता हूं और ये आगे निरंतर मानव सेवा करते रहें, शुभकामनाएं। आज ओम प्रकाश हजारीलाल मेमोरियल जो सेवा संस्थान है उसके द्वारा जो मुझे जानकारी है, लगभग 5 वार्डों के अंदर 6 वार्डों में इनके द्वारा जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार लगभग रोजाना 2600 पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इनके कार्यकर्ताओं की टीम और यहाँ जो पहुंचकर जहाँ इनके द्वारा ये भोजन तैयार किया जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे मापदंडों को अपना करके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और जिस प्रकार से पैकिंग है या सब्जी है जो मैंने अभी जो जानकारी में देखा है बिल्कुल, तो वास्तव में प्रशंसनीय। और आज की विशेष डाइट है जो नवरात्रा के हिसाब से, रामनवमी के हिसाब से जो है माता का जो प्रसाद है वो ये वितरित करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज सेवकों द्वारा जो इस महामारी के दौर में जो जरूरत है समाज को, समाज के पिछड़े तबके को, उसके लिए जो कार्य करें निश्चित रूप से प्रशंसनीय। 30 तारीख से ये जरूरतमंद लोगों के लिए खाना वितरित किया जा रहा है। पहले दिन 1994 पैकेट भेजे गए थे और अब लगभग 2600 पैकेट सुबह और शाम के डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के द्वारा भेजे जा रहे हैं। इन वार्डों के अलावा भी हम सप्लाई करते हैं। तो ये जो आप व्यवस्था कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य लेके आप ये व्यवस्था? बस यही है कि कोई भूखा नहीं सोए, ये महामारी का दौर है और अपना संकट की घड़ी है। हमारे पूरी टीम की व्यवस्था है, हम दोनों सुबह शाम और 2600 पैकेट खाने के बना रहे हैं। तो वितरण का क्या सिस्टम रहता है आपका? हमारे पास 5-4 गाड़ी लगा रहे हैं, हर वार्ड वाइज डोर टू डोर उनको देके आते हैं।